हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी यहाँ पे भी आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से आपको प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे तो आप जिस भी मीडियम से हो ठीक है आप उस मीडियम में रिप्लाई कर सकते हो आंसर कर सकते हो ठीक है तो पहला क्वेश्चन द डिस्कवरी ऑफ द लोथल एक्सकेवेसन अ पार्ट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट कर दीजिए आज मेरा ये पहला क्लास है आर ओ ए आर ओ के लिए तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका एस आर राव ठीक है एस आर राव जो थे वो लोथल की खुदाई की खोज इन्होंने किया था लोथल की खोज किसने की थी तो वो की थी एस आर राव ने तो एस आर राव ने कब किया था तो एस आर राव, तो राव ने किया था 1957 में ओके तो ये आपको याद में रखना है लोथल जो है आपका ये कहाँ पे पड़ता है लोथल तो ये आपका पड़ता है गुजरात में अहमदाबाद अहमदाबाद कहाँ पे है अहमदाबाद है आपका गुजरात में अहमदाबाद के सराग वाला गांव में ओके सराग वाला गांव में एक बात याद रखिएगा लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर पड़ता है भोगवा नदी के तट पर पड़ता है और लोथल जो है ये गुजरात राज्य में है गुजरात के अहमदाबाद जिले के सराग वाला गाँव में भोगवा नदी के तट पर जो है वो लोथल की खुदाई हुई थी लोथल जो स्थान है वो वहीं पर है और इसकी खोज जो है वो ऐसा राव ने की थी सी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट वन यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडर्स वैली सिविलाइजेशन इज ट्रू यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स चार दे रखा है यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ये सही है तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो है आपका ए सिंधु के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो कपास के उत्पादन करने वाले पहले थे मतलब अगर सिंधु घाटी सभ्यता अर्थ की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं कि उनकी जो इकोनॉमी थी वो किसके माध्यम से चलती थी मतलब क्या क्या वहाँ पे व्यवसाय होते थे तो वो पहला तो हो गया आपका हो गया कृषि सिंचित कृषि ओके और फिर अगर हम सेकेंड वन के बारे में बात करते हैं तो वो आपका हो गया पशुपालन नेक्स्ट वन हो गया आपका दस्तकारी दस्तकारी सॉरी दास्तकारी और आपका हो गया आंतरिक और एवं विदेशी व्यापार ओके तो ये आपको ध्यान में रखना है तो इनके जो अर्थव्यवस्था थी ये सिंचित कृषि होती थी पशुपालन होते थे आंतरिक और आंतरिक मतलब अपने ही अन, अपने देश के अंदर ही क्या होते थे व्यापार होते थे या फिर विदेशों के विदेशियों के साथ उनका व्यापार होता था दस्तकारी ये सब उनके अर्थव्यवस्था के जो है प्रमुख साधन थे प्रमुख स्रोत थे ओके तो यहाँ पे क्या होगा कि चूंकि वो कृषि करते थे सिंचित कृषि करते थे इसलिए कुपास कपास का, का जो उत्पादन होता था ये ऑलमोस्ट जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग करते थे ठीक है एक बार याद रखिएगा थोड़ा सा मैं इसके आंतरिक अंतरिक्ष जानकारी आपको देती हूँ कपास जो है ये काली मिट्टी वाले क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा मिलता है ठीक है काली मिट्टी जहाँ पे होंगी वहाँ पे अनुकूल स्थिति होंगी कपास की खेती के लिए ओके नेक्स्ट वन मोहन जोद्रो शब्द का अर्थ क्या है काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो आपका एंशियंट का पार्ट है उससे रिलेटेड जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम सब आपके साथ कवर कर रहे होंगे ओके तो बता दीजिए वट इज द मीनिंग ऑफ टाउन मोहन तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका माउंट ऑफ डेड, ओके माउंट ऑफ डेड जो है ये आ, सही आंसर होगा मोहन चौद्रो की जो, म, जो मतलब होता है वो है आपका मृतकों का टीला ओके okay? मृतकों का टीला इसका मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड मतलब मृतकों का टीला और अगर मोहनजद्रो की खोज के बारे में अगर बात करते हैं तो इसकी जो खोज है वो रखाल दास राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि जो पैड से हम राइटिंग कर रहे होते हैं उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है ना तो रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में माउंट मोहनजद्रोस का खोज किया गया था ओके माउंट और जिसका मतलब होता है माउंट ऑफ दी डेड क्योंकि आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको मृतकों का टीला लिखा हो है ना तो हो सकता है आपके पास माउंट ऑफ द डेड भी लिखा हो तो इसलिए आपको वहाँ पे समझना है ओके और ये जो पड़ता है ना ये आ, मोहन वाला जो स्थल है ये कहाँ पे है ये पाकिस्तान में है ठीक है आपको कुछ चार नाम दे दिया जाएगा उसमें बोला जाएगा कि कौन सा जो जगह है वो भारत में नहीं पड़ता है तो हो सकता है वहाँ पे आपको एक मोहनजद्रो शब्द हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है तो मोहन जो है ये पाकिस्तान के लड़काना जिला जो है वहाँ पर पड़ता है लड़काना जिला ओके और ये कौन से नदी के तट पर है सिंधु नदी सिंधु नदी के तट पर है ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है तो मोहनजद्रो से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो सब हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है मृतकों का टीला इसका मतलब होता है रखालदास बनर्जी ने उन्नीस सौ बाईस ईस्वी में इसकी खोज की ये पाकिस्तान के लड़काना जिला में और सिंधु घाटी सिंधु नदी के तट पर ये जो जगह है वो अवस्थित है ओके चलिए नेक्स्ट वन सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है जल्दी से बताइए विवेक शानी आइडियो ब्लॉग विथ विकी बिल्कुल सही है हाँ तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आज मेरा पहला क्लास है हो सकता है स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है कि आर ओ आर ओ की भी क्लास चल रहा है लेकिन कोई बात नहीं आप बाद में सब देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिए जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो शेयर कर दीजिए वीडियोज़ को ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी सुद सुतका कैंडोर ओके तो घोड़े की अस्थियाँ जो है ये सुतका कैंडोर में मिला था और ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर है तो ये है आपका गुजरात में ये भी मतलब इंडिया में ही है ये आपको जैसे मोहन जद्रो हमने देखा ना वो पाकिस्तान में है वो इंडिया में तो नहीं है लेकिन ये जो स्थान जो मैंने लोथल की बात की वो भी इंडिया में है सुतका कैंडोर के बारे में बात किया वो भी आपका भारत में ही है है ना तो यहाँ से प्रश्न बनता है आपका चलिए नेक्स्ट वन निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है उपवेद नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट उपवेदा? यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो है आपका डी योग वेद योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है अगर हम उपवेद के बारे में बात करते हैं ना तो उपवेद मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं उपवेद चार प्रकार के होते हैं तो अगर हम पहले के बारे में बात करेंगे तो ये आपका हो गया पहला आयुर्वेद ओके सेकेंड वन हो गया आपका गंधर्व वेद ओके okay? थर्ड वन हो गया आपका शिल्प वेद फोर्थ वन हो गया आपका स्थापत्य वेद ओके और एक हो गया आपका और शास्त्र शास्त्र वेद या फिर धनु वेद ओके तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके उपवेद के ओके जिसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आयुर्वेद जो संबंधित है वो आपका चिकित्सा से संबंधित है चिकित्सा से ओके गंधर्व वेद जो संबंधित है वो आपका नृत्य संगीत से संबंधित है ओके okay? शिल्प वेद जो है ये भवन निर्माण से संबंधित है और आपका जो शास्त्र शास्त्र वेद है जो है वो आपका संबंधित है युद्ध की शैलियों से तो यही याद रखना है चिकित्सा से संबंधित है गधर वेद जो है वो आपका नृत्य संगीत से संबंधित है शिल्प वेद आपका भवन निर्माण से संबंधित है और ये युद्ध से संबंधित है ओके तो यहाँ पे याद रखना है कि उपवेद जो है इतने प्रकार के हैं जिसमें योग वेद जो है वो ये उपवेद में नहीं सम्मिलित है ओके नेक्स्ट वन पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन पंच गव्य है जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो है आपका तुलसी पंचगव्य मतलब क्या है मैं आपको एक बार बता देती हूँ यहाँ पे पंचगव्य में तुलसी नहीं सम्मिलित है तो पहला यहाँ पे जो सम्मिलित है वो है आपका गाय के दूध सेकेंड वन जो है आपका वो है आपका दही फिर थर्ड वन इज घी फोर्थ है आपका मूत्र एंड फिफ्थ वन इज गोबर ओके ये पांच जो है मिलकर क्या बना है पंचगव्य ओके देन okay? इसमें तुलसी शामिल नहीं है तो ये आपको याद में रखना है और इसे एक आयुर्वेद में इसे औषधि की संज्ञा दी गई है ओके okay? आयुर्वेद में पंचगव्य को क्या औषधि की संज्ञा दी गई है ओके नेक्स्ट वन महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ महाजनी सिस्टम व्हाट हैपेंड इन द एंशियंट बुक जल्दी से इसका आंसर कीजिए जो भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं प्लीज आप एक बार वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और सभी को आंसर करना है सभी के कमेंट को देखा जा रहा है महाजनी प्रथा के बारे में बता दीजिए तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ना कि सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था ग्रंथ में तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सतपत ब्राह्मण ओके तो महाजनी प्रथा का जो उल्लेख किया गया है वो सतपत ब्राह्मण में किया गया है यहाँ पे मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी बताती हूँ कि सुदखोर जो होते थे है ना सुदखोर उनको क्या कहा जाता था क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है ठीक है तो सुदखोर थे उनको बोला जाता था कुशी दिन ओके मतलब किसी प्रकार से अपना दिन काटते थे वो कुशी दिन शुद्धोर मतलब जो शुद्ध खाते थे है ना तो इसको बोलते कुशी दिन मतलब किसी प्रकार से बस अपना दिन काटते थे आप इस तरह से याद रख सकते हो ओके चलिए नेक्स्ट वन सतपथ ब्राह्मण और तेतरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं जल्दी से बताइए एट का आंसर करना है जो भी हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं प्लीज आप सभी कमेंट करके आंसर बताते रहिए और जो देखे ने जो वीडियो में अभी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो बाद में वीडियो देखेंगे तब भी आपको कमेंट में आंसर बताना है ठीक है सभी के कमेंट को देखा जाएगा तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका यजुर्वेद ओके यजुर्वेद इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे यजुर्वेद हो जाएगा और आपको याद रखना है कि सतपथ ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण में यजुर्वेद जो है वो मूल पाठ है ओके बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन वेदों के गद्य प्रकरण का क्या क्या कहलाते हैं वट इज द एपिसोड ऑफ वेद कॉल्ड तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा सी ब्राह्मण ओके okay? मैं एक बात बताती हूँ वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं तो वो कहलाते हैं ब्राह्मण ओके चलिए नेक्स्ट वन जिसमें बहुत सारे हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण हो गए ऋग्वेद के यजुर्वेद के सामवेद के अथर्वेद के बहुत सारे हो गए ओके जैसे ऋग्वेद के अगर ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात करेंगे अगर हम ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं ठीक है ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में तो इसमें बोलते हैं ऐतर्य या फिर गे? कौशी तकी ओके थोड़ा सा आपको नाम अजीब सा लगेगा लेकिन ये आपको याद में रखना है अगर हम यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं तो यजुर्वेद का हो जाएगा सतपथ या फिर तेतरीय ब्राह्मण ओके अगर हम बात करते हैं श्याम वेद के बारे में तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पंचवीस ओके एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अथर्वेद के बारे में तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गोपत ओके तो यहाँ पे अलग अलग जो वेद हो गए उसके जो अलग अलग जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है आई थिंक सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार पूछ लीजिएगा ठीक है कमेंट में आप बता दीजिएगा ताकि मैं उस चीज़ को देख सकूँ और इम्प्रूव कर सकूँ ठीक है प्राचीनतम वेद कौन सा है मतलब सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? वेद कौन सा विच इज द ओल्डेस्ट वेद देखिए वीडियो की नोटिफिकेशन आई थिंक नहीं आया है दोनों मॉर्निंग वाला वीडियो का ओके तो फिर भी आपको समय पर आ जाना है अगर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रही है तो आपको टाइम टेबल तो दे दिया गया है ना तो आपको टाइम पर आ जाना है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऋग्वेद तो प्राचीनतम वेद कौन सा है ये ऋग्वेद है और इसमें ऋग्वेद के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना तो टोटल अगर इसमें देखा जाए तो एक जो है वो श्लोकी की संख्या है और दस मंडल है तो श्लोकों की संख्या कितनी है वो है आपका एक हज़ार अट्ठाईस और दस मंडल है इसमें और अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि ऋग्वेद में जो है वो देवताओं के आह्वान के लिए देवताओं के आह्वान के लिए यज्ञ की चर्चा है ओके तो अगर आपको यहाँ पे यज्ञ जैसा कुछ भी टर्म्स दिखेगा ना तो वो उसमें हो जाएगा ऋग्वेद क्योंकि पहले क्या होता था यज्ञ वगैरह ज्यादा होता था ना तो प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में यज्ञ वगैरह का चर्चा किया गया है ओके okay, आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना है क्योंकि ये पूछा गया है क्वेश्चन और आगे भी पूछे पूछा जा सकता है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है ना सिंधु घाटी सभ्यता वेद जैन धर्म बौद्ध धर्म यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं प्राचीन भारत से ठीक है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी ये आपको पताना है ये आपका रामायण से क्वेश्चन है कि रामायण में मांडवी जो थी वो किनकी पत्नी थी मंजीत कुमार चेस प्ले सभी आप सभी मेरे स्टूडेंट आप आंसर करते रहिए जी बिल्कुल सही है विवेक सैनी बिल्कुल सही है भरत की पत्नी थी मांडवी जी भरत की पत्नी थी जैसे राम की पत्नी कौन थी राम की पत्नी थी सीता ओके लक्ष्मण की लक्ष्मण की थी उर्मिला है ना सॉरी उर्मिला अगर हम भरत के बारे में बात करें तो भरत की तो हो गई मांडवी और शत्रुघ्न की अगर बारे में बात करेंगे तो शत्रुन की पत्नी पत्नी का नाम बताइए जल्दी से एक बार बता दीजिए शत्रुन की पत्नी का क्या नाम था तो वो नाम था आपका श्रुत कृति ओके तो ये चारों भाई की पत्नी का नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा अनकॉमन सा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है ओके नेक्स्ट वन महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी ये काफी इंपॉर्टेंट है लड़ाई इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कितने दिनों तक की लड़ाई थी तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग यहाँ पे जो है ये अठारह दिन की लड़ाई थी अठारह दिन के लिए ये लड़ाई लड़ा गया था और ये कौरव और पांडवों के बीच में ये लड़ाई हुआ था कौरव पांडवों के बीच में ये लड़ाई था और किस लिए था तो ये लड़ाई था कुरु साम्राज्य के लिए ओके मतलब कौन साम्राज्य को हासिल करेगा उसके लिए लड़ाई थी कौरव और पांडवों के बीच में और ये बिल्कुल अठारह दिन तक की लड़ाई थी चलिए नेक्स्ट वन निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया आप यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फिर आपको जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाई देंगे जैसे कि मैंने पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया उसके बाद फिर मैंने आपके साथ शेयर किया वही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे फिर अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बौद्ध धर्म जैन धर्म ठीक है तो सारी चीज़ें जो भी होंगे ना वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी वेद के बारे में मैंने चर्चा किया तो जो भी आपका क्रम रहेगा वो मैं आपके साथ चैप्टर वाइज सब कुछ आपको यहाँ पे कवर किया जा रहा है अभी प्राचीन भारत से शुरू हो रहा है फिर आपका मेडाइवल होगा फिर उसके बाद मॉडर्न होगा ऐसे सभी चीज़ों को हम कवर कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नहीं, नहीं। बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर कौन सा जगह जो है वो स्थित है तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो है आपका बोध गया है ना निरंजना नदी के तट पर स्थित है बोध गया बोध गया क्या था क्योंकि बोध गया में ही क्या हुआ था कि बुद्ध भगवान को बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ओके ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को कहाँ हुई थी बोध गया में हुई थी और उनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही उनका नाम जो है वो बुद्ध रखा गया था ओके और 2002 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित भी किया गया था 2002 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया था बोधगया गया को क्योंकि बोध गया में ही बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही बुद्ध का नाम बुद्ध पड़ा था ठीक है चलिए नेक्स्ट वन आई थिंक क्लियर हो रहा होगा बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है वाई इज बोध गया एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर जल्दी से बताइए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर हो रहा है आपके साथ तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा तो यहाँ पे आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैंने ऑलरेडी अभी शेयर किया था कि बहुत गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी देन बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा ओके okay? छ वर्ष क्या हुआ था कि छ वर्ष की साधना के बाद बौद्ध बौद्ध को गौतम बुद्ध को क्या हुआ था कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और तत्पश्चात उनका जो नाम है वो बुद्ध रखा गया था ओके okay? चलिए नेक्स्ट वन ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा कुछ आपको लगेगा कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन पूछने का जो अलग अलग पैटर्न है ना वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ठीक है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को बहुत घुमाव तरीके से भी पूछा जा सकता है तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या नाम रखा गया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बुद्ध नाम रखा गया था देखिए आने वाले जो भी 15 क्वेश्चन है ना वो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरे स्टूडेंट इसका आंसर करें ठीक है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ठीक है चलिए नेक्स्ट वन किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था किस स्मारक से फ्रॉम विच मोनूमेंट गौतम बुद्धा हैजॉट बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड डिड योर डिवाइन नॉलेज बी ट्रिस्ड तो आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है सभी को बताना है इसका आंसर क्योंकि ये आंसर बहुत मतलब ये बुद्ध धर्म जैन धर्म ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पढ़ा हुआ भी है, है ना तो इसीलिए मुझे इसका आंसर आपसे एक्सपेक्ट मैं कर सकती हूँ तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो विवेक शैनी आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो बहुत अच्छे महाबोधि मंदिर ओके बी आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट वन बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था महापरिनिर्वाण बोल सकते हैं ये उनको कहाँ प्राप्त हुआ था तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा ना वो है आपका कुशीनगर महापरिनिर्वाण मतलब पे उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया जहां उनकी मृत्यु हो गई तो वो आपका कुशीनगर हो जाएगा ओके थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता यहाँ पे बताती हूँ कि हो सकता है आपको यहाँ पे बोध गया ना देकर जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना बोधगया में है ना बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी तो बोध गया का ही एक और नाम है वो है आपका उडूवेला ओके हो सकता है आपको ऐसे भी एग्जाम में दे दिया जाए कि बोध गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ऐसा नहीं है उरुवेला भी है वो बोध गया का ही नाम है ओके चलिए अगर हम थोड़ा सा प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था प्रथम उपदेश तो वो कहा दिया था तो वो दिया था सारनाथ में है ना सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था तो सारनाथ का भी एक और नाम है वो है आपका ऋषि पतन ओके ऋषि पतन तो आपको ये भी हो सकता है कि प्रथम उपदेश के बारे में पूछा पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था और ऑप्शन में आपको सारनाथ ना देकर ऋषि पतन दे दे तो आपका आंसर ऋषि पतन होगा क्योंकि सारनाथ को ही ऋषि पतन कहा जाता था ओके चलिए बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ कवर किया है बहुत इंपॉर्टेंट है कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया बिल्कुल ये बताना है आंसर क्योंकि अभी अभी ही मैंने डिस्कस किया है आंसर करते रहिए जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्लीज़ आंसर करते रहिए इससे क्या होगा कि आपके आपको अपने आप अपने आप को एनालाइज़ कर पाओगे कि आप कहाँ तक हो आपको कितना नॉलेज है आप कितना पढ़े हो ठीक है इसका आउटपुट क्या है जो आपने पढ़ा है जो आपने इनपुट किया किताब का अध्ययन करके उसका आउटपुट कितना है वो आपको पता चलेगा ठीक है तो यहाँ पे आंसर है कुशीनगर कुशीनगर में ही उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया था मोक्ष को प्राप्त हुआ था ओके चलिए नेक्स्ट वन बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था और आपको यहाँ पे बताना है कि सारनाथ जैसे कि सारनाथ ने में ही इन्होंने पहला उपदेश दिया था तो सारनाथ का ही दूसरा नाम मैंने क्या बताया था आपको वो आपको यहाँ जल्दी से बता दीजिए तो यहाँ पे होगा सारनाथ करेक्ट आंसर है और सारनाथ का ही दूसरा नाम है ऋषि पतन ओके ऋषि पतन सारनाथ का ही दूसरा नाम है बिल्कुल सही है मैंने यहां पूछा था कि सारनाथ का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था ठीक है गौतम बुद्ध में डैश में धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका बी लुम्बनी ओके बी इस था करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है त्रिपिटक मतलब त्रिपिटक जो तो क्या था वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ था है ना त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ था ना तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा एक शामिल नहीं है तो इसमें सही आंसर होगा उपाका पिटक क्योंकि अभी पिटक, विनय पिटक ये तीनों शामिल है उपसाका पिटक जो है यहाँ पे शामिल नहीं है ओके ये आपको ध्यान में रखना है त्रिपिटक जो थे वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे है ना तो ये इसमें तीन शामिल है ये तीनों शामिल है बट उपसाका पिटक शामिल नहीं है नेक्स्ट वन नार्गजुन कौन थे तो नारगाज कौन थे जल्दी से बताइए विवेक शानी बिल्कुल आंसर सही है आपका भाई एक बार जल्दी से आप शेयर कर दीजिए आप वीडियोस को शेयर कर दीजिए वीडियो के लिंक को ताकि आपके और भी जो दोस्त हैं वो कनेक्ट हो सके उनको पता चल पाए कि हमारे चैनल पे यू पी आर ओ ए आर ओ के लिए भी क्लास शुरू कर दिए गए हैं तो जल्दी से शेयर भी कर दीजिएगा जो भी दोस्त हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो है एक बौद्ध दार्शनिक ठीक है सी इज़ द ये एक बहुत दार्शनिक थे नार्गाजुन मतलब ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि क्योंकि शेयर करेंगे ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे तो हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी क्लासेस और अच्छे अच्छे क्लासेस लेकर आएंगे ठीक है भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है किस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है जल्दी से बताइए पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना ये है वाराणसी ओके वाराणसी को सबसे पुराना शहर माना जाता है नेक्स्ट वन पहले जैन जे, तीर्थंकर कौन थे पहले सबसे क्योंकि जैन तीर्थंकर जो ये जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे तो पहला जो था वो थे ऋषभ देव ओके ऋषभ देव जिन्हें ही आदि आदित्यनाथ भी आदिनाथ भी कहा जाता था चौबीस तीर्थंकर हुए महा आपका जैन परंपरा के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो कुल मिला के चौबीस तीर्थंकर थे चौबीस तीर्थंकर में जो पहले थे वो थे ऋषभ देव या फिर आदिनाथ यही इन दोनों का नाम सेम ही है आदिनाथ ही या फिर ऋषभ देव ओके ये थे पहले नंबर के लेकिन अगर हम पा, जो तेईसवें थे ये काफी जो तीन नाम है ये वो काफी इम्पोर्टेंट है जैसे पार्श्वनाथ ये तेईसवें नंबर के थे चौबीसवें के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो थे महावीर ठीक है महावीर तो पहले थे ऋषभ देव या फिर आदिनाथ चौबीसवें चोवि जो थे वो महावीर थे तेईसवें थे पार्श्वनाथ ओके ये तीन नाम आपको याद रखना बिल्कुल चौबीस का नाम याद नहीं रख पाओगे आप लेकिन ये तीन का नाम जरूर याद रखना ठीक है जैन धर्म में तीन रतन दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है वे क्या हैं जल्दी से बताइए इन जैनिज्म थ्री जेम्स आर गिवन एंड दे आर कॉल्ड निर्वाण इज कॉल्ड द पाथ ऑफ व्हाट आर दे तो यहाँ पे जो आपके सही आंसर होगा वो है आपका डी सही विश्वास सही ज्ञान और सही आचरण क्योंकि ये अगर होगा तभी हमें जैन धर्म में क्या बोला जाता है अंतिम जो जीव जो जी, मतलब जीव जो प्राणी है उनका अंतिम इच्छा केवले होता है तो केवले तभी प्राप्त होगा जब हम इच्छाओं को सीमित करेंगे है ना तो जब हमारे सही विश्वास सही ज्ञान और सही आचरण होगा नेक्स्ट वन मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवले जिसका अर्थ है अभी मैंने डिस्कस किया है तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा बहुत अच्छे नेहा जायसवाल दिलीप विवेक सैनी आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो जल्दी से आप वीडियो के लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा

तभी हम जैन धर्म के अनुसार हमें केवल की प्राप्ति हो सकती है ठीक है चलिए नेक्स्ट वन विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछा गया है कई बार एग्जाम में पूछा गया है बार बार आपको ये पूछा जा सकता है ठीक है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कि ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है तो ये करेक्ट आंसर होगा संस्कृत सी इज द करेक्ट आंसर ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो संस्कृत में ये क्या लिखा गया था हिंदी में भी इसे अनुवाद किया गया था विशाखा दत्त द्वारा जो मुद्रा राक्षस लिखा गया वो संस्कृत में सबसे पहले लिखा गया था लेकिन इसे बाद में हिंदी में भी लिखा गया और हिंदी में अनुवाद करने का जो श्रेय है वो किन को जाता है तो वो जाता है भारत तेंदु चंद्र ओके तो हिंदी में इसे ट्रांसलेट करने का जो श्रेय जाता है वो भारत तेंदु हरिश्चंद्र को जाता है और मुद्रा राक्षस में जो वर्णन किया गया है किन के बारे में तो वो किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ओके okay, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ पे पता चलता है और इसमें बताया गया है कि मुद्रा राक्षस में मौर्यों को वृषल या फिर कुलहीन भी कहा गया है क्या कहा गया है तो वृषभ या फिर कुलहीन भी कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ओके चलिए नेक्स्ट वन सम्राट अशोक का कौन सा शिला लेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है बिल्कुल सही जसवाल संस्कृत में ये आगे सबसे पहले लिखा गया था बाद में हिंदी में भी किया गया और इसका श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है तो यहाँ पे आपको बताना है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिला लेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है विच इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्पायर अशोका हिज विक्ट्री ओवर कलिंगा डज इट रेफर्स टू नेहा जसवाल वेरी गुड बहुत अच्छे डी करेक्ट आंसर ओके चलिए नेक्स्ट वन अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग या फिर पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी चलिए इसका भी सही आंसर कर दीजिए जल्दी से विच वाज़ द कैपिटल ऑफ कलिंगा ड्यूरिंग असोकाज इन्वेसन बिल्कुल सही दिलीप आपका आंसर बिल्कुल सही है इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा डी देखिए आप सभी को न, मैं पहले से बोल रही हूँ आप नंबरिंग के साथ आंसर करो जैसे आपको ट्वेंटी नाइन का जो भी आंसर लगता है आप वो चीज़ वहाँ मेंशन कर दो ठीक है ताकि मुझे ऐसे अभी अब डी आंसर कर रहे हो तो मुझे इसका नहीं पता चल रहा है कि आप किसका आंसर कर रहे हो है ना आपका ट्वेंटी का कर रहे हो या ट्वेंटी का कर रहे हो तो आप ट्वेंटी नाइन का आपको जो भी सही लग रहा है आप ट्वेंटी नाइन लिखो उसके बाद करेक्ट आंसर को वहाँ पे ऐड कर दो ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तोसली डी इज द करेक्ट आंसर तोसली कहाँ पे है तो ये आपका है उड़ीसा में ओके उड़ीसा में तोसली है नेक्स्ट वन निम्नलिखित में से कौन सा अशोक साम्राज्य अधिन नहीं था लास्ट क्वेश्चन से सभी को उसका आंसर करना है गलत हो सही हो इससे डरना नहीं है ओके okay. गलत होगा तो आप अपने आप को करेक्ट कर लोगे सही होगा तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा है ना तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका डी कामरू